राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने अपना नाम बदल दिया है। उन्होंने परिवहन विभाग की जगह अब परिवहन विभाग यातायात सुरक्षा नाम दिया है। लेकिन यातायात सुरक्षा नाम देने से आंकड़ों में कमी नहीं आएगी, लेकिन लगातार बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय है। मुख्य राजमार्ग को छोड़ दें, जयपुर की भीतरी सड़कों पर बात की जाए तो वहां पर भी लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की अकाल मौतें होती जा रही है। हम इस समय एक चौराहे पे मौजूद हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं, रफ्तार किस तरह से एक हावी होती है राजधानी जयपुर में, उसकी आप बांध के हम लगातार देखते आ रहे हैं। यातायात नियमों की पालना की बात की जाए तो वो सबसे बड़े सड़क हादसे का विषय बनते हैं। आप उस समय देख लीजिए, ये अपने मौत को दावत दे रहा है। कहाँ किस तरह से यहाँ पर बत्ती हो रखी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। इसकी बान की आप देख सकते हैं, रोंग साइड में जाकर वो कहीं ना कहीं अपनी मौत का दावत देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर आप जिस तरह से देखते जा रहे हैं कि बत्ती हो चुकी है, इस तरफ से भी रोंग साइड में लोग फराटे मारते हुए यहाँ से निकलते जा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग को भी पार करके यहाँ पर साहब है जो कहीं ना कहीं अपने वाहन आगे लेकर यातायात नियमों को धत्ता बता रहे हैं। ये कि चिंता का विषय जरूर है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। यातायात पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन वो नहीं मानते। आप इस चौराहे पे कितने सालों से हैं? यहाँ करीबन 15 साल हो गए हमें। अमूमन कितने हादसे देख चुके हैं आप यहाँ? यहाँ पर अभी तक सैकड़ों हादसे देख चुके हैं। क्या मानते हैं, सबसे पहली वजह क्या मानते हैं? सबसे पहली वजह ये है हादसे की, पब्लिक को खुद अपने यातायात नियम मानने चाहिए, इसी वजह से ज्यादातर हादसे होते हैं। याद नियम नहीं मानते हैं पब्लिक। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस कर्मी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चालान काटते हैं, यातायात पाठ नहीं पढ़ाते? नहीं, देखो दोनों चीजें हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले चालान भी काटते हैं, नियम भी बताते हैं, ड्यूटी करते हैं, लेकिन पब्लिक रुकती नहीं है, मानती नहीं है। पब्लिक को मानना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि रफ्तार के साथ साथ शराब ये मौत को दावत। देखिए, ज़्यादातर रात के समय में शराब पीकर लोग ज़्यादा स्पीड चलाते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं दिन में। लेकिन नियम नहीं मानने की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं रुकते हैं, रॉन्ग साइड से आते हैं लोग, बिना हेलमेट के चलते हैं। कहाँ तक पब्लिक मानेगी तभी हादसे रुकेंगे। बिल्कुल, पब्लिक मानेंगे कि तभी हादसे रुकेंगे। और जैसा कि आंकड़ों में बताया गया है कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच जयपुर में इन वक्त इस समय सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है, जो कि चिंता का विषय है। लोगों को पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए यातायात नियमों का पालन करना होगा। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है, देखिए रिपोर्ट। रफ्तार का कहर लगातार जारी है और रफ्तार के कहर में लोगों की जान जा रही है। इसमें जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कोटा शहर की, जिन सड़कों के हालात किस तरह के हैं। सड़कें खुदी हुई है और रफ्तार का कहर लगातार जारी है। ये सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मगर इनकी तरफ भी कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं है। वाहन हैं वो तेजी से दौड़ रहे हैं और वाहनों की रफ्तार पर लगाम भी नहीं कसी जा रही है। इंडिया न्यूज राजस्थान ने का विशेष प्रोग्राम हल्ला बोल और बोलियो राजस्थान में आज खास पेशकश की है कि रफ्तार के कहर से जाने क्यों जा रही है और कब लगेगी इस पर लगाम। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। इन लोगों से भी बात करना चाहेंगे, किस तरह से रफ्तार का कहर लोगों की जान ले रहा है, क्या वजह है, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो बारिश के समय से, एक तो रोड जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, रोड टूट रहे हैं, ऊपर से लोगों की पता नहीं क्या जल्दी रहती है, जो दूरी 5 मिनट में आसानी से धीरे धीरे पूरी हो सकती है, उस दूरी को 1 मिनट बचाने के लिए तेज रफ्तार में चलते हैं। कुछ तो उनका आनुवंशिक कारण मान लो कि उनकी कुछ लापरवाही दिमाग में भरी रहती है, और कुछ ना कुछ प्रशासन का भी इस ओर ध्यान नहीं है कि प्रशासन ऐसे लोगों पे सख्ती करे। हेलमेट के नाम पे तो कई बार लूट घसोट चलती रहती है, लेकिन जो रफ्तार से गाड़ियां चल रही है, जो दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं अपने अलावा, उन लोगों पे कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करे। आज के समय में कुछ बाइक वालों ने ऐसी बाइकें निकाल रखी है फटाखों के साथ, तेज़ रफ्तार से वो धीरे चलती नहीं है। ऐसी गाड़ियों पर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए, जो अनावश्यक रूप से शहर में पॉल्यूशन तो फैलाती है, रफ्तार भी बढ़ाती है, लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालती है। कई बार ट्रकों पे आपने लिखा हुआ देखा होगा,
कि धीरे चलोगे तो रोज मिलोगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे। ये बात वास्तव में ही सिद्ध होती है कि जिस तरह से तेज रफ्तार का जो कहर है वो किस तरह से जारी है। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां दे दी जाती है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते, उन लोगों से बच्चों से एक्सीडेंट हो जाता है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये माँ बाप अपने बच्चों को लापरवाही की हद सारे माँ बापों ने कर रखी है। जो नाबालिग बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको भी ये गाड़ियाँ दे देते हैं बस केवल दिखावा करने के लिए, और वही बच्चे अपने साथ में और अपने मित्रों को बिठा करके गाड़ियों पर ले जाते हैं, तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं और वो दुर्घटना करते हैं, खुद तो मरते ही हैं साथ में औरों को भी मारते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वह माँ बाप भी जिम्मेदार है जिनके पास अथाह पैसा है, जो अपने बच्चों को छोटी उम्र में वाहन दे देते हैं और वह वाहन लेकर निकलते हैं सड़कों पर और दूसरों की ज़िंदगी के साथ करते हैं खिलवाड़। राम बाबू जी, कई बार आपने देखा होगा हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे अपन चलते हैं, वहाँ पर बीच में गाय, कई जगह से रोड खुदे होते हैं, कई लोगों ने रास्ता बना रखा है, गायें बंधी रहती है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये भी एक बड़ी वजह है, लोगों में कहीं ना कहीं तो ये शिक्षा का अभाव है, ट्रैफिक नियमों का अभाव है। कई बार सरकार को भी ऐसे कोई प्रोग्राम चलाने चाहिए कि लोगों को ट्रैफिक नियमों का, शांति से चलने के कई नियमों के बारे में जानकारी हो। लोग वहाँ गाड़ी मिलने के बाद उनको लगता है एरोप्लेन में बैठ गया मैं, तो स्कूटर मोटरसाइकिल को भी ऐसे चलाता है वो जैसे, तो उसको लगता है कि मैं तो हेलीकॉप्टर चला रहा हूँ, और खुद की तो जान जोखिम में डालता है, परिवार की जान जोखिम में डालता है, औरों की जान जोखिम में डालता है। तो जहाँ तक है मेरा, लोगों में खुद में तो अवेयरनेस आनी चाहिए, उनको तो कहीं ना कहीं गाइड करना ही चाहिए पारिवारिक स्तर पर, समाज के स्तर पर या संस्थाओं के माध्यम से, लेकिन सरकार को भी ऐसे सूचक या ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए। क्या लगता है जो पुलिस प्रशासन है वो क्या मुस्तैदी से कार्य कर रहा है या अपनी जेब सिर्फ हेलमेट के नाम पर भर रहा है? क्योंकि आज भी बच्चे सड़कों पर वाहन लेकर निकल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जहाँ तक होती है उनको ऊपर के आदेश के अनुसार पैसा इकट्ठा करना और जहाँ तक हो उनको जेब भरना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उनका मापदंड ये होना चाहिए कि व्यक्ति को चालान कटने के साथ उसको ऐसी शिक्षा मिले कि वो आगे जिंदगी में उस गलती के प्रति कोताही निवरते। तो ऐसा कई बार प्रशासन को जहाँ तक वो चालान ये काटे अच्छी बात है, लेकिन चालान काटने के अलावा उनको शिक्षा देनी चाहिए कम से कम उन नौजवानों को, तो जो गलतियाँ कर रहे हैं उनके माँ बाप को देवे सूचना और कहीं उनकी इस प्रकार पर जहाँ शिकायत हो सकती हो शिकायत करे, ताकि क्या रोक लगे, बच्चों में अवेयरनेस आवे और इस प्रकार से एक्सीडेंट में दुर्घटना में कमी आए। लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं, शराब पीकर वाहन चलाने से कई बार दुर्घटनाएं होती है, इसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह शराब पीकर वाहन, एक तो बिल्कुल गलत है शराब पी के वाहन चलाना, और इस चीज़ को कोई समझता नहीं है, किसी को भी टक्कर मार देते हैं, राह चलते आदमी को टक्कर मार देते हैं। लाइसेंस की उम्र क्या होनी चाहिए, लाइसेंस जो जारी होता है, और आपकी कितनी उम्र में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना था? लाइसेंस की उम्र तो ऐसे 18 साल तो सही है, लेकिन उम्र के साथ में ये है कि उसको प्रॉपर ड्राइविंग आती है या नहीं आती, उसका सही टेस्ट हो। और लाइसेंस देने की प्रक्रिया थोड़ी सी इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि कोई भी बिना ट्रायल दिए बिना गाड़ी सीखे गाड़ी चलाने लग जाए, वो थोड़ा सा इम्तिहान, थोड़ा सा पूरे उसको रोड साइंस और सारे ड्राइविंग के जितने भी नियम कानून हैं वो सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, गाड़ी बैक कैसे लेनी है, चलानी कैसी है। जब तक उसको ये सब पता नहीं हो तब तक लाइसेंस इशू नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अधिकतर उम्र का सवाल है, उसमें बॉडी की फिटनेस पे ऊपर सवाल है, अगर कई बंदे 60 साल में ही फिट नहीं है तो उनको लाइसेंस उनका निरस्त कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई सही है फिजिकली ठीक है और वो 70-75-80 साल तक भी चला सकता है तो उसका लाइसेंस जारी रखा जा सकता है। आरटीओ विभाग में कई बार देखा है कि सारा काम दलालों की मार्फत होता है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या किसी भी प्रकार का जो आरटीओ से काम पड़ता है, वहाँ पर कोई चीज़ को न तो कोई प्रशिक्षण लिया जाता है, न कोई गाइडलाइन जारी की जाती है, न कोई ध्यान दिया जाता है, सिर्फ दलाल लिख जाते हैं और उसको कर देते हैं, तो इसको क्या ये सही है क्या, इस तरह का होता है क्या? इसको तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं
क्या हम हमेशा हमारे सिस्टम में ऐसा चाहते हैं जो हम जाएं और हमारा काम कुछ ले दे के फटाफट हो जाए, तो हम उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहते। तो उन सुविधाओं की हमें आदत भी पड़ गई है और वो हमारे सिस्टम में सब घुल मिल गया है। तो इतना ज़्यादा सिस्टम जो है वो हो गया है कि वो सब हमें ऐसा लगता ही नहीं है कुछ गलत हो रहा है, वो सब हमें सिस्टम का पार्ट लगता है। अगर मुझे कहीं सुविधा शुल्क देनी है, मुझे ट्रेन में जाना रिजर्वेशन चाहिए, तो मुझे तो सो के जाना है, पैसे लगते हैं तो लग जाएंगे। तो उन चीज़ों के हम इतने आदी हो गए कि हमें सब वो बुरा ही नहीं लगता, अब वो हमें पार्ट ऑफ हमारे लाइफ हो गया। हम ये जिसको हम भ्रष्टाचार बोलते हैं वो भ्रष्टाचार है ही नहीं एक्चुअली हमारे लिए, क्योंकि हम उसमें रमे घुले, उसमें जमे पले, उसी में पैदा हुए हैं और उसी सिस्टम के साथ ही जीना चाहते हैं। हमको सबको सुविधा चाहिए, उसके लिए क्या शुल्क देना पड़ता है, उसके लिए हम मेंटली तैयार हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार हैं, तो वो हमें सब बुरा लगता ही नहीं। रफ्तार का कहर लगातार जारी है और रफ्तार के कहर से लोगों की जान जा रही है, क्या कारण है जो लगातार सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है? एक तो बच्चों को और जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं इनकी रफ्तार पे रोक लगना चाहिए, गवर्नमेंट को एक नियम बनाना चाहिए, इस रफ्तार से ज़्यादा चलेंगे तो उनका चालान काटा जाएगा। दूसरी बात है रोड बिल्कुल गड्ढे हो रहे हैं, इसीलिए भी एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, रोडों की कोई देख रेख नहीं हो रहा अभी तक भी। जय पूरे अपने यहाँ कोटा में देख लो आप, हर जगह रोड पे गड्ढे मिलेंगे, कोई 20 की 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकते, ऐसे रोड हो रहे हैं। और शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उससे एक्सीडेंट होते हैं, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन तो सिर्फ चालान काट के अपनी जेबें भरना चाहता है, न कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, यही हाल है। बिल्कुल सही बात है कि रफ्तार के कहर से लोगों की जान जा रही है और सिस्टम कहीं ना कहीं सुविधा शुल्क लेने में व्यस्त है। सड़कों पर गड्ढे हैं, लोगों को परेशानी है और कई लोग अपनों को खो चुके हैं, कई लोग अपनों से इस तरह से बिछड़ चुके हैं कि कभी शायद अब वो मिल भी नहीं पाए। ये रफ्तार का कहर है जो प्रदेश में लगातार जारी है, मगर ये कब बंद होगा ये तो समय ही बताएगा। मगर आज भी 21वीं सदी में लोग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो वहीं अजमेर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है, देखिए रिपोर्ट। जिस तरह देखा जा रहा है कि आए दिन रफ्तार के चलते दुर्घटनाओं का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है प्रदेश भर के अंदर। कभी छोटे बच्चे होते हैं मोबाइलों पे बात करते हुए गाड़ी बाइकें चलाते हैं, बहुत स्पीड से बाइक चलती है, बिना हेलमेट का उनका यूज़ होता है, कोई कारण नहीं होता, उनको अननेसेसरी गाड़ियों का हाईवे पे और ट्रैफिक बाजार के अंदर दौड़ाते फिरते हैं, दुर्घटना हो जाती है, ग्राफ मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है। इसके ऊपर नगर के कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जिससे हम खास चर्चा करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आजकल जो है रफ्तार बहुत ज़्यादा वाहनों की बढ़ गई है, किस तरीके से उन पर ब्रेक लगे? राज्य सरकार के द्वारा कहीं कानून बनाए हुए हैं, प्रावधान भी है कि जिस तरह बच्चे आज के टाइम में गाड़ियां वाहन विकल्स तेज़ रफ्तार से चलाते हैं, एक्सीडेंटल केस ज़्यादा आ रहे हैं और मौतें भी हो रही है कहीं की, और उसमें ज़्यादातर सर फटने से हो रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके हेलमेट कमज़ोर लेने की वजह से ISI मार्का वाला हेलमेट लेते नहीं हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चों में इतनी लापरवाही है कि वो कानों में आजकल ब्लूटूथ ईयर वायरिंग वाले लगाकर गाने सुनते हैं या फ़ोनों पे बात करते हुए चलते हैं, पीछे वाला हॉर्न बजाता रहता नहीं सुनता, तो बाय चांस गाड़ी टकरा जाती है और एक्सीडेंटल केस बन जाते हैं। और इनकी तेज़ रफ्तार को रोकने का एक ही निर्णय हो सकता है कि माँ बाप को पाबंद किया जाए, नाबालिग बच्चों को गाड़ी नहीं दें, देते हैं तो उनकी सारी जिम्मेदारी माँ बाप पे हो। सेकंड, हम जब तेज़ रफ्तार में चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन में एक कमी है, RTO की मानो या प्रशासन की मानो, कि जगह जगह कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन शायद वो कैमरे काम नहीं करते हैं, नहीं तो कैमरे के द्वारा तेज़ रफ्तार का वो चालान, ई चालान जिसको बोलते हैं, वो घर तक पहुंचने लग जाए और लोगों को ई चालान के तहत चालान भरना पड़े, तो नेचुरल है उस पर पाबंदी आएगी और लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। विज्ञापन में भी मुख्यमंत्री और राज्य सरकार खूब पैसा व्यर्थ भी कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई आप जागो और ये नियम और ये कायदे अपनाओ। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सरकार ने जो जगह जगह CC कैमरे लगा रखे हैं उसके द्वारा अगर जो वाहन तेज चलाता है उस द्वारा अगर ई चालान अगर घर तक पहुंचे तो शायद इस पर अंकुश लग सकता है, आपकी क्या राय इस बारे में?
सर हमारी भी यही राय है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को गाड़ियाँ नहीं दे माँ बाप, और देवे तो फिर उनकी जिम्मेदारी माँ बाप की है। और बच्चे जैसे मोबाइल पे बात करते हैं, गाड़ी पे चलते हैं, और किसी के पीछे से कोई घोरन बजा रहा नहीं सुन पा रहा है, या गाड़ी टकरा जाती फिर वो बच्चे की डेथ हो जाती है, तो दुख तो क्या प्रशासन को भी होता है, घर वालों को भी होता है, अपन ये बच्चों को गाड़ियाँ न देवे। बिल्कुल सही बात है, कुछ हद तक जो दुर्घटनाओं का कारण वो नाबालिग बच्चे हैं जो बिना सोचे समझे गाड़ियों को दौड़ाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय? मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत कम एक्सपीरियंस है, बट एक तो माँ बाप जिम्मेदार हैं एक्चुअली अपने बच्चों को सोचना है, अपने बच्चे को गाड़ी चलाने नहीं आती है, वो बालिक नहीं है तो उसे नहीं दी जाए गाड़ी। और उसके अलावा कुछ पुलिस का भी ऐसा ही कुछ रोल रहता है, थोड़ा सा पुलिस थोड़ी सख्त रहे, और पुलिस का चालान काटने के अलावा कोई रोल नहीं रहता। अब किसी को समझाया जाए या किसी से ऐसा कुछ कोई नया कोई तरीका निकाला जाए कि उनको रोक के उनके उनकी गाड़ी जब्त करके उनके माँ बाप को सौंपी जाए, उनका समय खराब जाए करा जाए, तो सिर्फ चालान काट दिया 200 का 500 का और फिर वापस वो फ्री हो गया, तो वो बच्चा अपनी पॉकेट मनी से भी भर के उस गाड़ी को यूज़ कर रहा है, अपने घर पे बताया भी नहीं कुछ भी, तो उस गाड़ी को रोक के उसके माँ बाप को सौंपी जाए या उनका समय खराब जाए तो ही कुछ अंकुश कुछ रोक हो सकती है थोड़ा। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से जो नादान बच्चे होते हैं वो गाड़ी चलाते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता पिता की होनी चाहिए, जिससे शायद कुछ हद तक अंकुश भी लग सके। और खास तौर से जो देखा गया है कि आजकल हाईवे के ऊपर भी ट्रक चालक भी अपने मोबाइलों पर बात करते हुए गाड़ियों को चलाते हैं, जिससे दुर्घटना का एक ये भी बड़ा कारण है कि बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियों को टक्कर मार देती है, जिससे काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण एक राजस्थान प्रदेश भर के अंदर मृत्यु दर का आंकड़ा दुर्घटनाओं में बढ़ता ही चला जा रहा है। सोमेश राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर।